आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ दुनिया के 7 अजूब जो कि बना हुआ है हमारे दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, दुनिया की 7 अजूबे। और दोस्तों कमाल की बात यह है, ये जो 7 अजूबे बन के रेडी है ये टोटली वेस्ट के सामान से बना हुआ है। हाँ, वेस्ट यानी कबाड़े के सामान से बना हुआ है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ वेस्ट ऑफ अंडर की डेब्यू और नाइट व्यू। और देखा जाए तो डेब्यू से भी बहुत अच्छा व्यू आप सभी को नाइट में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों बिना स्किप के ये वीडियो के आखिर तक देखें। वेस्ट ऑफ अंडर की एंट्री गेट के एकदम साइड पे है टिकट काउंटर। यहाँ पे एडल्ट के लिए 50 रुपीस और चिल्ड्रेन के लिए 25 रुपीस। संडे के दिन 100 रुपये हो जाता है एडल्ट के लिए और 50 रुपये हो जाता है चिल्ड्रन के लिए। पार्क की ओपनिंग टाइम है सुबह की 11 बजे से रात की 11 बजे तक। और दोस्तों मंडे वेस्ट ऑफ अंडर बंद रहता है, आने से पहले इसका ध्यान ज़रूर रखना। खाना खाने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएगा, यहाँ से आप आपके मनपसंद खाना खा सकते हो। यहाँ पे आपको बैठने के लिए जगह जगह पे ऐसे कुटिया देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी हम चलते हैं 7 वर्स्ट ऑफ वंडर की एक वंडर के पास। तो दोस्तों नंबर 1 वंडर पे आते हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। और दोस्तों ये मिस्र की गीज़ा में स्थित है। इसकी हाइट 18 फीट है और इसकी ओरिजिनल हाइट है 455.4 फीट। दूसरे नंबर वंडर पे आता है लीनिंग टावर ऑफ पिसा। ये इटली की पिसा में स्थित है। इस मीनार की हाइट है 25 फीट और इसकी ओरिजिनल हाइट है 183.3 फीट। नंबर 3 पे आता है आईफिल टावर। ये फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इस टावर की हाइट है 60 फीट और ओरिजिनल हाइट है 1063 फीट। नंबर 4 पे आता है क्लोजियम। ये इटली की रोम में स्थित है। इसकी हाइट 15 फीट है और इसकी ओरिजिनल हाइट है 615 फीट और लेंथ 156 फीट है। नंबर 5 पे आता है ताजमहल। ये आगरा में स्थित है। इसकी हाइट 20 फीट है और इसकी ओरिजिनल हाइट है 240 फीट और लेंथ है 365 फीट। नंबर 6 पे है रियो रेडिमर। ये ब्राज़ील की रियो डी जेनेरियो पे स्थित है। इसकी हाइट 25 फीट है, ओरिजिनल हाइट 124 फीट और लेंथ 92 फीट। नंबर 7 पे है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये यूएसए की न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी हाइट 30 फीट है और इसकी ओरिजिनल हाइट है 305 फीट। दोस्तों वेस्ट टू अंडर देखने की सही टाइम इवनिंग की 4 बजे से है। अगर आप इस टाइम में एंटर करते हो तो आप डे व्यू और नाइट व्यू भी देख सकते हो।
और फिलहाल गर्मी में नाइट का व्यू देखना ही सही रहेगा। और दोस्तों वेस्ट ऑफ वंडर की जो नाइट व्यू है वो डे व्यू से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो आइए चलिए देखते हैं वेस्ट ऑफ वंडर की नाइट व्यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो के साथ।